हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मंत्रा। आज अपनी वीडियो के हेल्प से मैं आपको जीन और एलील में डिफरेंस क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कभी क्लियर ही नहीं हो पाता कि जीन और एलील एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। मेनली 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि जीन और एलील की डेफिनेशंस क्या हैं। आई हैव यूज्ड द एनसीईआरटी प्रोवाइडेड डेफिनेशंस। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। कि एक्चुअल में जीन है क्या? जीन एक इनहेरिटेंस की वो यूनिट है जिसके थ्रू ही कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं, और यही जीन ही है जो एक इंडिविजुअल में किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा कि उस इंडिविजुअल का फिनोटाइप कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, उसके कैरेक्टर्स, उसके ट्रेट्स कैसे होंगे, सब कुछ जीन ही कंट्रोल करेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि एलील क्या चीज है। एलील इज एक्चुअली द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। कि एलील एक्चुअल में जीन ही है लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म है। तो अब ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आई नो। तो हम इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अब ये हाइट, हम मान लेते हैं कि एक जीन हमने कंसिडर किया जो कि एक इंडिविजुअल में हाइट को कंट्रोल कर रहा है कि उसकी हाइट क्या होगी। लेकिन अब हाइट दो तरीके से हो सकती है, या तो टॉल या फिर ड्वार्फ। तो अब जीन तो एक ही है, हाइट करेक्टर एक ही है, हाइट जीन विल कंट्रोल द करेक्टर हाइट, लेकिन वो टॉल भी हो सकता है, वो ड्वार्फ भी हो सकता है। तो यही दो डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलील कहेंगे। कि एक जीन यानी कि एक एलील जो है वो टॉल कोल के लिए कोड कर रहा होगा और एक ड्वार्फ के लिए कोड कर रहा होगा। यानी एक एलील तो किसी एक इंडिविजुअल को टॉल बनाएगा और दूसरा उसको ड्वार्फ बनाएगा। तो वही जीन एक ही है, करेक्टर जो कंट्रोल कर रहा है वो एक ही है, यानी कि हाइट जीन है, लेकिन उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। उसको हमने क्या बोला? एलील्स। अब देखते हैं कि लोकस क्या चीज़ है। लोकस एक्चुअल में क्या है कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम में जिस जगह पे जीन प्रेजेंट होगा उस जगह को दैट प्लेस इज कॉल्ड एज लोकस। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स एंड दैट प्लेस वेयर जीन इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड द लोकस। अब देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या चीज़ है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक क्रोमोसोम का वो पेयर होता है जिनके पास सेम करेक्टर के लिए ही जीन होते हैं। जैसे कि अगर अब हम ये क्रोमोसोम देखें कि अगर इसके पास हाइट के लिए जीन है तो इसके पास भी हाइट के लिए ही जीन होगा, लेकिन वो एलील्स हो सकते हैं। यानी कि जीन सेम नहीं है कि उसके पास सेम ही हो, सेम एलील ही हो, डिफरेंट एलील्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर इस क्रोमोसोम के पास टोल के लिए जीन है, यानी कि टोल का एलील है अगर इसके पास, तो इसके पास कुछ भी हो सकता है। मैंने अब यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में दिखाया कि इसके पास ड्वार्फ के लिए एलील है। तो अब ये इंडिविजुअल कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, टोल हो गया, टोल हिट्रोजाइगस, ठीक है, इसमें ये कॉम्बिनेशन होगी। लेकिन अब ये कुछ भी हो सकती है। अब दूसरी ये कॉम्बिनेशन देखी हमने कि अब यहाँ पे कैपिटल टी हो सकता है, ये कैपिटल टी, तब ये भी टोल होमोजाइगस हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट हो सकता है, तो ये ड्वार्फ होमोजाइगस हो गया। यानी कि जीन तो एक ही है, दैट इज हाइट, कि वो जीन जो है वो हाइट को कंट्रोल कर रहा होगा, लेकिन उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। उन फॉर्म्स को हमने क्या बोला? एलील्स। तो अब ये एक्चुअली हमने क्या सीखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हुए? कि वो क्रोमोसोम्स जिनके पास जो जीन्स होंगे वो सेम करेक्टर के लिए ही कंट्रोल कोड कर रहे होंगे। कि अगर मान लो इस क्रोमोसोम्स के पास हाइट के लिए एलील है तो इसके पास भी हाइट के लिए ही एलील होगा, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ भी आया होगा कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।